Zoom इस्कोटेको, Zoom इस्कोटेको। अगर आप सोच रहे थे कि हरमन बवेजा के बाद शाहिद कपूर से जुड़ गए हैं प्रियंका चोपड़ा के दिल के तार, तो जनाब ये जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि हमारी पिगी चॉप्स ने हाल ही में ये ऐलान कर दिया है कि उन्हें अभी तक अपना मिस्टर राइट नहीं मिला है। That is not impossible for anyone. You just have to find the right person, and it's something very private for me especially. It's not something I like speaking about. And the day I feel like I want, the day I feel like I found the person that I want to spend the rest of my life with, I'll shout it out at the rooftops. अरे ये क्या कह दिया प्रियंका ने? Prayer is not impossible for anyone. You just have to find the right person. अब तक तो सारी दुनिया यही समझती थी कि शाहिद कपूर के रूप में प्रियंका को अपना लवर मिल गया है, लेकिन प्रियंका ने ये ऐलान कर दिया कि अब तक उन्हें तलाश है अपने मिस्टर राइट की। The day I feel like I found the person that I want to spend the rest of my life with, I'll shout it out at the rooftops. वो साथ साथ गाड़ी में ट्रैवल करना, वो एक साथ पार्टीज में जाना और एक दूसरे को घर की खिड़कियों से झांकना, आखिर क्या हुआ प्रियंका की एक छोटी सी लव स्टोरी को? प्रियंका और शाहिद की नजदीकियों को देख सभी ने मान लिया था कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। लेकिन प्रियंका ने ये कहकर शाहिद का तो दिल ही तोड़ दिया कि शाहिद के होते हुए भी उन्हें तलाश है अपने परफेक्ट लवर की। For me especially. अब प्रियंका ने ये ऐलान कर ही दिया है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह का मिस्टर परफेक्शनिस्ट चाहिए प्रियंका को, क्योंकि शाहिद सिंगल है, माशाल्लाह दिखने में भी काफी हैंडसम है। सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा कमजोर है, लेकिन लड़कियों की इज्जत करना शाहिद बखूबी जानते हैं। इतना ही नहीं, शाहिद का फिल्मी करियर भी ऊंचाइयों पर है, और अगर शाहिद रोमांटिक ना होते तो एक वक्त पर बेबो को कैसे इम्प्रेस कर पाते? अब इतनी सारी क्वालिटीज होने के बावजूद अगर प्रियंका अब शाहिद को अपना मिस्टर राइट नहीं मानती, तो ये शाहिद की ही बदकिस्मती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।